अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इस्माइल अहमर और दोस्तों मैं आपके लिए एक और नया क्रीम लेकर आया हूँ। ये एक लोशन है दोस्तों जिसका नाम है लोबेट जीएम करके। इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते करते हैं और इससे क्या फ़ायदा है और इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या नुकसान है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी वीडियो मैं दोबारा से आपके लिए लेकर आ सकूं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों लोबेट जीएम करके एक लोशन है। इसके अंदर जो उसके हम प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है इसके ऊपर 108 रुपये एम आर पी बता रहा है, बट ये 90 रुपये या 100 रुपये में मिलती है मेडिकल के ऊपर, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। ये उसकी प्राइस है, ये देखिए एम आर पी इस पर 108 रुपये है। और दोस्तों इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल है, प्रोपियोनेट है, नियोमैक्सिन है, सल्फेट है एंड मैक्रोकोनाजोल है, नाइट्रेट लोशन है। दोस्तों ये सभी जो चीज़ें हैं ना, जैसा कि किसी चीज़ का इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन या दांत खाद खुजली, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इसके जो कंटेन है, ये जो कंटेन ये इस्तेमाल होते, यानी दोस्तों ये पूरी तरह से फंगल इन्फेक्शन के लिए, ये पूरी तरह से फंगल इन्फेक्शन के लिए है ये लोशन। और ये सिर्फ 25 ग्राम का है, 90 रुपये या 100 रुपये के अंदर, ये जो 25 ml का है, सॉरी एक लोशन है। ये देखिए यहाँ पे भी बताया हुआ है, इसके ऊपर ये पूरा लिखे हुआ डिटेल है, डिटेल्स में लिखे ले फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखे ला है। चलो हम इसको खोलते हैं। देखिए ये लोशन, ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन का लोशन है। देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों ये सफ़ेद कलर का एक मादा रहता है, ये देखिए ये सभी फंगल इन्फेक्शन के अंदर आपको इस्तेमाल कर सकते हो। आप दांत खाद खुजली या चेहरे पे रेडनेस वगैरह या कोई फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इससे आप इसको लगा सकते हो। और इसकी एक बात ये है दोस्तों, क्या आप उसको कंटिन्यू लगा रहे हो और आपका जो फंगल इन्फेक्शन का कंट्रोल में आया, बट अगर इसको लगाना छोड़ देते हो तो जो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है ये दोबारा से वापस आ जाता है इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये एकदम स्ट्रांग नहीं है, ये एकदम रिजल्ट है इसका बट एकदम स्लोली वर्क है। तो आप इसको कंटिन्यू फंगल इन्फेक्शन के वास्ते यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा हौसला अफजाई के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और ताकि मैं आपके लिए जो हकीकत और जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है और जो लोगों की राय और मेरी जो खुद की राय जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप ये ज़रूर मतलब मैं आपके लिए वो क्लियर करके लाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक और ये बात है कि आप डॉक्टर से ज़रा ज़रूर कंसल्ट करें इस बारे में। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।